अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन और आसान से काजल के बारे में, जो हमारी आई लैशेस की ग्रोथ करेगा और हमारी आईब्रोज की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिट और बेस्ट साबित होने वाला है, जिसके लिए हमें लेने होंगे बादाम। बादाम बिल्कुल आम से है और हम सबके घरों में आराम से पाए जाने वाला इंग्रेडिएंट होता है। बादाम की हमें ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ दो बादाम। अच्छा जी, तो जिसके लिए हमें लेने हैं दो बादाम, और दोनों बादाम को हमें चूल्हे पर किसी चीज़ की मदद से या वैसे ही स्टोव के ऊपर रख के आप अच्छी तरह से जला लें। तो अब हम मिलते हैं बादाम जलाने के बाद। ओके जी, तो अब आप देख सकते हैं बादाम हमारे जल चुके हैं और ये मतलब बहुत ही अजीब से लग रहे हैं जलने के बाद, तो चलें छोड़ें जी। अब हमारे बादाम ये जल चुके हैं और हमने इनको कर लेना है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। आप मिक्सर में डाल के कर लें, आप इनको कूट लें, आप इनको पीस लें, जैसे जिसको जो काम ईजी लगे। तो अब हम बादाम को पीसने के बाद फिर मिलते हैं। अच्छा, तो मैंने इसे फ़िलहाल फॉक से ही प्रेस कर लिया है। आप फ्रॉक का कलर भी देख सकते हैं कितना ख़राब हो चुका है, और मैं आपको इसको टच करके भी दिखा दूं। ये देखें, अच्छा खासा ये ब्लैक कलर का, जेट ब्लैक कलर का काजल हमारा रेडी होगा, जो हमारी आईलैशेस और आईब्रोज की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब हम इसे पूरी तरह पाउडर फॉर्म में करते हैं। अच्छा जी, तो स्पून से प्रेस कर ही मैंने इन दो आमंड्स को बहुत अच्छी तरह पाउडर फॉर्म में कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं सेकंड इंग्रेडिएंट, जो के हैं हमारा कैस्टर ऑयल। और कैस्टर ऑयल इसमें हमें कितना चाहिए होगा, फोर टू फाइव ड्रॉप्स मैंने इसमें कैस्टर ऑयल ऐड किया है, क्योंकि 4 to 5 ड्रॉप्स मैंने इसमें कैस्टर ऑयल ऐड किया है। और अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल काजल टाइप का थिक सा इसे हम पेस्ट बनाएंगे, और ताकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी और पतला सा ना हो। आपके हिसाब से आप खुद चेक कर सकते हैं कम या ज़्यादा अगर आपने क्वांटिटीज़ की करनी हो कैस्टर ऑयल की। तो देख सकते हैं हमारा होममेड काजल रेडी हो चुका है। इसको आप किसी छोटे से बॉक्स में, किसी कंटेनर में, जो कोई इजी चीज़ हो, इसे कैप करके रखना है ताकि इसमें कोई जर्म्स और कोई जरासीम वाली चीज़ ना जाए, तो इसको आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम इसका आपको स्कॉच लेकर दिखा देते हैं कि ये कितना डार्क और कितना पिगमेंटेड काजल बना है। वाओ, लुक एट दिस, इट्स अ जेट ब्लैक कलर, और ये हमारी आईज़ के लिए बहुत बेहतर है, हमारी आईलैशेस के लिए बहुत बेस्ट साबित होगा। आप इसे अप्लाई करें और ज़रूर आके फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंस्टाग्राम पे अपलोड कीजिएगा। देखें, बहुत सादा और सादा से इंग्रेडिएंट, क्या बादाम और कैस्टर ऑयल, जस्ट 2 इंग्रेडिएंट से हमने इतना बेहतरीन एंड बेस्ट काजल बना लिया है। इंशाल्लाह लाते रहेंगे आपके लिए इसी तरह की और मुफीद और फ़ायदेमंद वीडियोस। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑन माय चैनल।